भटघट में बच्चे को प्रबंधक ने पीटा और उसको छत से लटकाने का प्रयास किया। इसी प्रकार से गोरखपुर महानगर के एक प्रतिष्ठित जो गंगोत्री पे इंग्लिश मीडियम स्कूल है, गंगोत्री और टीडीएम कॉलेज के बीच में स्थित है, वहाँ पे बच्चे का मानसिक उत्पीड़न हुआ है, उस विषय में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये जो मामला हमारे भी संज्ञान में आया है और जो बच्चों के साथ जो जिस तरह का काम किया जा रहा है, कुछ माह पहले आपने देखा भी होगा कि एक प्रिंसिपल द्वारा जो है किस तरह से प्रताड़ित किया गया था और दूसरों को बुला करके जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करके जो है उसको थप्पड़ मरवाया गया था। हालांकि वो जो है सस्पेंड भी हो गई हैं, उनको हटा भी दिया गया है, लेकिन ये एक प्रचलन में जो है कि सरकार की हुकूमत के अंदर जो है इस तरह का काम जो हो रहा है, इसकी जो है इसकी हम जितने भी हो सकते हैं इसकी भर्त्सना करना चाहता हूँ। और बेंगलुरु स्थित उस बच्चे के साथ जो कैथलिक स्कूल जो था उसके अंदर इंटर कॉलेज है वो, उसके अंदर जो रीना सिंह जो है नामक एक प्रिंसिपल है, उनके द्वारा जो है उनके और जो जो उनके वहाँ के जो प्रबंधक हैं और भी सभी लोग हैं, उन लोगों के द्वारा जो बच्चों की तरफ प्रताड़ित किया गया है और मास्टरों ने जो है उसको खींचा भी है कलर पकड़ करके। सिर्फ उसका दोष इतना ही था कि वो टाई पहन करके नहीं गया था। भाई, बच्चा अगर टाई पहन कर नहीं गया है इसका मतलब नहीं कि आप उसको कलर पकड़ के उसको कंटाप लगा दीजिए और उसको प्रताड़ित कीजिए। अभी भटघट में घटना घटी है बच्चे के साथ। मैं उस पर एक चीज़ और कहना चाहता हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मुझे कहीं ना कहीं ये दिखता है कि ये कहीं जाति मामले को जो है ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है। इस तरह की हरकत जो है इस देश के अंदर, जहाँ देश की एकता और अखंडता जहाँ बरकरार, उसको तोड़ने का काम जो है इस तरह के जो एजुकेशन के जो लोग कर रहे हैं, इसको माफ़ी के लायक नहीं है। इनको जो जो FIR करके जो इनको जो सज़ा मिलनी चाहिए। यदि कार्यवाही नहीं होती इस तरह काम ना, यदि कार्यवाही कोई नहीं होती है प्रशासन के ऊपर, जिला मतलब उस विद्यालय के प्रशासनिक लोगों के ऊपर, तो क्या आगे आपकी लड़ाई होगी सड़कों पे? नहीं, ये लड़ाई तो निश्चित रूप से कांग्रेस लड़ेगी, ऐसे लोगों को बेनकाब करेगी जो माँ बाप जो अपने बच्चों को पढ़ने के लिए स्कूल में भेजते हैं उनके साथ इस तरह का जो है दुर्व्यवहार करना, ये माननीय काम है। इस पर जो है हम लोग खामोश नहीं बैठेंगे और जब तक जो है ऐसे लोगों के ऊपर जो मुकदमा कायम कर जेल नहीं भेजा जाएगा, कांग्रेस खामोश नहीं बैठेगी। कुछ जात सूचक शब्दों का प्रयोग किया गया था ऐसा सुनने में आ रहा है, गोरखपुर समाचार की पुष्टि नहीं करता है और अन्य चैनल भी, लेकिन उनके माता पिता का यह कहना है कि जात सूचक शब्द कह करके और थप्पड़ मारा गया कान पर। हमने भी उस बच्चे से बात किया तो उस बच्चे ने कहा कि हमको प्रिंसिपल मैडम ने डांट कहा कि तुम मर क्यों नहीं जाते, बताइए इस तरह का शब्द का इस्तेमाल कौन कर सकता है? ये बहुत बड़ा ये सवाल है। उस बच्चे का बयान है, उस बच्चे का जो चैनल चल रहा था मैंने उसको देखा भी, इससे जो है गिरी हुई हरकत जो है और क्या हो सकती है। ये हम आपके चैनल के माध्यम से एक बात और कहना चाहते हैं कि इस मामले को कहीं से भी किसी भी तरह से जो है इनको बख्शा ना जाए। अब आप उनसे खुद पूछिए जाकर के इस बात के लिए कि आखिर ऐसा हुआ तो क्यों हुआ है, आपको प्रिंसिपल बना करके आप भेजा गया या इस तरह के काम आप जाति सूचक का ना का काम करने के लिए आपको यहाँ भेजा गया? तमाम तरह घटनाएं प्राइवेट विद्यालय में होती हैं लेकिन कोई बच्चा डर के मारे बोलता नहीं है, उसका अभिभावक नहीं बोलता है क्योंकि नाम काटने के बाद TC दे के उनको हटा दिया जाता है। इसी प्रकार से यह मामला इस बच्चे के साथ हुआ कि जब बच्चा मामला उठाया तो उसे TC पकड़ा दी गई, कहाँ तक यह जायज है? देखिए, कहीं ना कहीं जो है स्कूल प्रबंधक जो है परेशान है कि कहीं हमारे यहाँ भूल न खुल जाए, बच्चा उस चीज़ों को बताए ना ताकि दूसरे लोगों पर इसका असर ना पड़े, इसलिए उनको TC दे करके हटाया गया। मैं दूसरी बात ये कहना चाहता हूँ, अभी 4 माह हो गया, 5 माह हो गया, माँ बाप जो है बच्चों को पढ़ाने के लिए ड्रेस से लेकर कापी किताब से लेकर फीस से लेकर 6 महीने की वो सब जमा करते हैं, आज उनको पकड़ा दिया गया, जाइए आप कहीं और एडमिशन कराइए, इसका मतलब वो तो पैसा गया, वो वक्त बर्बाद हुआ। दूसरी चीज़ जो, जहाँ हमारा एडमिशन बच्चे का होगा या नहीं होगा, मेरा साल बचेगा या नहीं बचेगा, ये कितनी बड़ी दिक्कत की बात, उसको कौन जो इसका जिम्मेदार है?